नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अवंतिका और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज़। आज रामपुर रोड के सफायर होटल में इनर व्हील क्लब ऑफ हल्द्वानी की ऑफिशियल चेयरमैन विजिट पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्लब के द्वारा किए गए सभी सामाजिक कार्यों पर रोशनी डाली गई। क्लब अध्यक्ष ने सभी का स्वागत कर क्लब द्वारा किए गए कामों की जानकारी दी। इनर व्हील क्लब की चेयरमैन डॉक्टर दिव्या लहरी ने महिला सशक्तिकरण के लिए डिस्ट्रिक्ट 311 में 100 से ज्यादा सिलाई मशीन के योगदान के बारे में बताया। साथ ही इस आयोजन में हल्द्वानी में काम कर रही संस्था रवि रोटी बैंक को भी राशन का योगदान कर पुरस्कार से सम्मानित किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज़ में। तो इस वक्त हम मौजूद हैं सफायर में, जहां पर इनर व्हील क्लब का आयोजन हो रहा है। मैम, इस प्रोजेक्ट के बारे में आप थोड़ा सा हमें बताना चाहेंगी? हमारे साथ चेयरमैन मौजूद है। हमारा इनर व्हील क्लब ऑफ हल्द्वानी एक इंटरनेशनल वॉलेंटियर क्लब है। तो इसमें यह कि हम लोग समाज सेवा के कार्य करते हैं, और हम लोग जो कार्य करते हैं तो वंस इन ए ईयर हमारी चेयरमैन जो होती है मंडलाध्यक्ष, वो हमारे पास आती हैं और इन चीज़ों का निरीक्षण और करती हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमारी चेयरमैन अलीगढ़ से डॉक्टर दिव्या लहरी जी आई हैं। तो दिव्या जी, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में देखिए, ये प्रोजेक्ट है इनर व्हील, जैसा कि हम पता है, फॉर द वुमेन, ऑफ द वुमेन, बाय द वुमेन, महिलाओं के लिए कार्य करता है। और ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली फ्रेंडशिप एंड सर्विस इसका मोटो है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 99 कंट्रीज़ में काम कर रहा है इनर व्हील। और इंडिया में डिस्ट्रिक्ट 311 जो है, जिसमें हल्द्वानी भी आता है, जिसकी मैं चेयरमैन हूँ। तो आज जब मैं यहाँ आई तो मैंने इनका भी प्रोजेक्ट फाइल भी देखा, और पर्टिकुलरली ये जो प्रोजेक्ट है, ये इन्होंने एक ऐसी बच्ची को दिया है जिसको कि आपको पता है कोरोना टाइम में बहुत से लोगों की जॉब चली गई, बहुत मुश्किलें आईं, तो उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं होता। और इनको बहुत अच्छे से स्टिचिंग आती है, तो ये एक मशीन अभी प्रोवाइड करी है। उसके बाद हम पूरा काउंट करें तो डिस्ट्रिक्ट 311 में नियर अबाउट 100 से ज़्यादा मशीन डोनेट की जा चुकी है, और फर्दर लोग कर रहे हैं काम, और रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे आ रहे हैं। तो ये मशीन आपको दी जा रही है, तो आपको मैम का बहुत शुक्रिया करती हूँ अदा। उन्होंने मुझे ये मशीन दी, इसके ज़रिए मैं अपने बच्चों को पाल सकती हूँ। कोरोना के चलते मेरे बच्चों मेरे घर में नहीं है खाने पीने को ज़्यादा, इतना बहुत अच्छा स्टेप है। तो हम चाहेंगे कि आपकी इससे इन फ्यूचर जो है आमदनी अच्छे से बन पाए, और घर वालों को अच्छे से इससे हेल्प मिल पाए। तो जैसे कि यहाँ पे हल्द्वानी में हम जानते हैं कि रवि रोटी बैंक ने कोरोना के टाइम पे भी और कोरोना से पहले भी बहुत लोगों की खाना बांट के मदद की है, तो आज इनर व्हील क्लब जो है उन्हें सम्मानित कर रहा है। तो मैम, सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इन बच्चों ने तो दिल जीता हुआ है हम लोगों का, और ये इतना काम कर रहे हैं, इतनी लगन से काम करते हैं। आज से 3 साल पहले मेरा इनसे कॉन्टेक्ट हुआ था, और कुछ बच्चों ने आके, आज तरुण भाई आ नहीं पाए हैं, बस वहाँ से फिर ऐसा लगा कि हम इनके साथ क्यों ना चलें। तो इनको हम बराबर सपोर्ट करते हैं, देते हैं, और जो भी इनकी रिक्वायरमेंट रहती है पूछते रहते हैं। ये लोग भी बहुत सम्मान देते हैं बच्चे, और साल में एक बार ये भी हमको बुला के सम्मानित करते हैं। और हम अपने सोसाइटी में समता आश्रम गली के जितनी भी हम महिलाएँ हैं, हम लोग अपने घर से खाना बना के हर फ्राइडे को खाना बना के रोटी और सब्जी जो भी तैयार होती है, दाल सब्जी रोटी, वो हम इनको देते हैं। और शनिवार को हमारी मेम्बर हैं, एग्जीक्यूटिव मेम्बर रमा पांडे रानीखेत में, रानी बाग में, वो भी बहुत सा खाना वो भी बना के देती हैं, शनिवार को देती हैं वो। शुक्रवार को हम लोग देते हैं, सैटरडे को ये लोग देते हैं। इन बच्चों का कहना था हम रोटी नहीं बना पाते हैं, तो हम लोग रोटी, और कोशिश यही करते हैं कि हम लोग रोटी सब्जी दें, बाकी चावल वगैरह ये लोग करते हैं। तो हम लोगों ने इनको थोड़ा सा राशन ऐसे खाली, बहुत ये तो बूंद के समान है, ये लोग जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, नहीं नहीं बहुत तो नहीं है बेटा, जितना भी काम कर रहे हैं उसमें तो बहुत छोटा सा सहयोग हुआ ये, तो बस लग रहा था कि कुछ देना है तो इसलिए सम्मान। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि हल्द्वानी में हमने देखा है कि कोरोना के टाइम पे आपकी पूरी टीम ने जिस तरह से काम किया है वो काबिले तारीफ है। तो आप अपने प्रयासों के बारे में? हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हम इतना कभी कुछ कर पाएंगे। हमने तो 3 लोगों से स्टार्टिंग करी थी, और बहुत ही छोटी स्टार्टिंग करी थी, बस बाबा का आशीर्वाद है जो हम यहाँ तक हैं, और आप सभी का सपोर्ट है। बाकी हमने कभी कुछ ऐसा सोचा नहीं कि कल का क्या होगा, हम बस आज का सोचते हैं, बाकी कल का खुद ही हो जाता है। हमारी आज की इस खबर में बस इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।